यदि महीने भर के अंदर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है कहीं से भी और वैसा का वैसा चलता रहे तो चाहे यहाँ का हो चाहे कहीं का भी, उस दवाई को छोड़ देना चाहिए। यहाँ पे आप लोग आए, मात्र महीने भर का मैक्सिमम जो बोला जाता है, मैक्सिमम महीना, डेढ़ महीने में तो, दो महीने में तो रिपोर्ट दोबारा करवा देते हैं रोगियों की। जो अति गरीब है, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जिनके पास खाने पीने के तक का दाना नहीं है, वो रोगी यहाँ पे कभी भी आए, निःशुल्क उनको दवाई यहाँ पे दी जाएगी, फ्री दवाई दी जाएगी। क्या दिक्कत थी आपको? मेरे पेट में भी थी और नाड़ में भी है और घुटना में भी है। सारे दर्शकों ने राम राम, में मनजीत कौत है फिलहाल चरखी दादरी के गांव बदवाणा में है। और पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी, जो कैंसर रोगी है या फिर किडनी का रोग है या फिर चर्म रोग है या अन्य कोई और रोग है तो बातचीत कराएं वाइज जी कि किस तरह इलाज कर रहे हैं, क्योंकि पहला जो वीडियो बनाई थी उसमें काफ़ी रिस्पॉन्स मिला, बहुत से लोगों के फ़ोन भी आए किस तरह इलाज करें, वैद्य जी के पास भी बहुत सी कॉल आई है तो इलाज भी होया उनका। वैद्य जी राम राम। प्रणाम, वंदे मातरम जी। वैजी देखो बहुत सी कॉल मारा तो रवि है, आपका तो रवि आई, किस तरह इलाज है? कई लोग उन्होंने पूछा भाई किस तरह इलाज कर रहे हैं, कौन सी दवाई है? यहाँ पे देखो पूर्ण रूप से आयुर्वेदिक दवाई दी जाती है और हैंडमेड दवाइयाँ हैं जो अपने आयुर्वेद के ग्रंथों में जो लिखा हुआ है बिल्कुल उसी के ऊपर तैयार की जाती है। अपने जो चरक ऋषि हैं वाघभट जी हुए, उन्हीं की जो देन हाजी आयुर्वेद, और उसी पूरे पदक्रमों पर हम चल रहे हैं। ऊपर से भाई राजीव दीक्षित जिन्होंने आयुर्वेद को बढ़ावा दिया तो उनको हम पूरा फॉलो करके देन जो औषधियों का जो वर्णन हमें मिला ग्रंथों के अंदर उसके गहन अध्ययनता के बाद, क्यों कैंसर कोई छोटा रोग नहीं है, किडनी को छोटा रोग नहीं है, हालांकि किडनी का तो कैंसर से भी दुर्लभ रोग माना जाता है, तो उस पर भी संस्थान के अच्छे रिजल्ट, जैसा कि सभी जो ना दर्शक जानते भी आज इस संस्थान के बारे में, तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये अनेकों प्रकार की जड़ी बूटियां हैं जो अभी 26 तारीख को यहाँ पे बड़े लेवल पे जो है ओपनिंग हुई थी, तो ये कुछ जड़ी बूटियों का संग्रहालय है यहाँ पे और अनेकों औषधियां वहाँ पे भी दूसरे सेक्शन में रखी हुई हैं। ये औषधि निर्माण है पूरा, जहाँ से हम दवाइयों का निर्माण करते हैं और घनवटी वटी ये सारी सब चीजें यहीं बनाई जाती है। कैंसर रोगियों के लिए मलहम तैयार करवा रखी है हमने यहाँ पे, ये चाहे कैसा भी जख्म है ये उस पर बहुत ही अच्छा काम करेगी, माउथ कैंसर के लिए जो काम किया जाता है उसके लिए है ये। तो ऐसे ही विधि अनेकों रोगियों के लिए। और दूसरा क्या है, अभी संस्थान बहुत जल्द आयुर्वेद फील्ड में इतना कार्य करेगा कि ना सिर्फ हम इस ज्ञान को यहाँ पे एक संजो के रखें, हम चाहते हैं पूरे भारत में आयुर्वेद के रक्षक पैदा हों, तो उस कड़ी में संस्थान ऑनलाइन जो नाड़ी परीक्षण है वो भी सिखाएगा, क्योंकि नाड़ी परीक्षण के बिना आयुर्वेद अधूरा है, तो हम वो ऑनलाइन सिखाएंगे। जो जो भी दर्शक सीखना चाहें वो यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं और यहाँ सम्मेलन शादी रखे जाएंगे तो उनमें हम सभी को आमंत्रण भी देंगे। और अभी रही बात कि कैंसर के लिए, किडनी के लिए, तो चलिए वहाँ पे जो रोगी आए हैं उनसे मिलवाएंगे आप लोगों को रिजल्ट, हमने पहले भी वीडियो में बता रखे हैं, फिर से बता देते हैं, चाहे आप लोग कहीं से भी दवाई लो, कैंसर की हो, किडनी की हो, शुगर की हो, किसी भी चीज़ की, यदि महीने भर के अंदर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है कहीं से भी और वैसा का वैसा चलता रहे तो चाहे यहाँ का हो चाहे कहीं का भी, उस दवाई को छोड़ देना चाहिए। एक महीना डेढ़ महीना हमने आजमा के देख लिया, क्यों काफ़ी रोगी बोलते जी हमने फलानी जगह से दवाई ली थी, 6 महीने हो गए कोई आराम नहीं, तो मैं रोगियों की गलती मानता हूँ। जब 6 महीने का टाइम आप लोगों ने वहाँ पे दे दिया और 0% भी बोले आराम नहीं है तो छोड़ देना चाहिए। यहाँ पे आप लोग आए, मात्र महीने भर का मैक्सिमम जो बोला जाता है, मैक्सिमम महीना, डेढ़ महीने में तो, दो महीने में तो रिपोर्ट दोबारा करवा देते हैं रोगियों की जो कैंसर से जूझ रहे हैं जो रोगी। तो कौन से रोगों की दवाई है भाई जी? हाँ देखो यहाँ पे मुख्यतः तो वैसे तो कहते हैं सब आयुर्वेद किसी चीज़ से जो ना पीछे नहीं है, आज हर प्रकार का उपचार यहाँ किया जाता है, लेकिन एक होती है प्रैक्टिस अनुभव की बात। हमने अभी तक टूटी हुई हड्डी के ऊपर कोई जो ना रिसर्च नहीं किया है इतना, तो टूटी हुई हड्डी का यहाँ पे कोई इलाज नहीं है, वो रोगी ना फोन करे ना कोई फायदा होगा यहाँ आने का। लेकिन हाँ इसके अलावा जो मुख्य जो गहन, जिसका आपने मेन मुख्य बोर्ड पे भी देखा होगा, ये आयुर्वेदिक शोध संस्थान है जहाँ पे हर रोज नया नया शोध किए जाते हैं, चाहे पूरी रात दिन रात मेहनत करनी पड़ रही है रोगियों के लिए कि कैसे कहाँ पे कहाँ तक ये रोग है, शुरुआत कहाँ पे हुई और खत्म कैसे होगा। किडनी के लिए है, हम दिन रात रिसर्च कर रहे हैं कि किडनी का रोग आखिर होता क्यों है, तो बिल्कुल उसकी जड़ तक पहुंचे हम और फिर उसका उपचार शुरू किया। तो आज किडनी के 1-2% केस की तो हम कहते नहीं, वो पेंडिंग है, वो भी बहुत जल्दी उम्मीद है कि ठीक हो जाएंगे। लोगों का कार्य है पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिखाने का, हम नेगेटिव पे भी चर्चा करते हैं कि जो 2-3% केस बचे हुए हमारे किडनी के जो ठीक नहीं हुए हैं उन पे भी हम रिसर्च कर रहे हैं कि वो भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे और आपके यूट्यूब चैनल पर हम दिखाएंगे उनको ठीक होने के बाद। जी हार्ट ब्लॉकेज और चर्म रोग की भी दवाई पहले हमने वीडियो में बताया था, मतलब उसका भी अच्छा रिजल्ट रहा है? बिल्कुल, हार्ट ब्लॉक के लिए क्यों आजकल का खान पान लगा लो, लेकिन मुख्यतः ये हार्ट का जो सिस्टम है ना, ये टेंशन एक विशेष मैटर रखता है इसमें, टेंशन और जंक फूड का खाना, जो तैलीय मिर्च वगैरह मसाले का खाना, उससे हार्ट में ब्लॉकेज आती है। तो उसके लिए भी हमने बता रखा है दर्शकों को
जिसको भी छल्ला डालने की नौबत बता दी हो डॉक्टर्स ने। देखो डॉक्टर्स तो जो जांच करेंगे उसमें जो रिपोर्ट आएगी वो रिपोर्ट भी झूठी नहीं है, लेकिन बावजूद उसके यदि हम चेत में ना आए तो वो हमारी गलती है, हमने उसके ऊपर अपना एक्शन लेना चाहिए। और उपचार हेतु जो संस्था ने जो रिजल्ट दिखाया है, हमने अभी तक 95% ब्लॉकेज था हार्ट में, उम्र 67 साल की, जहाँ पे बता दिया जाता है बोले यहाँ पे कोशिकाएं काम ही नहीं करती ज्यादा, ना तो नई कोशिकाएं बनती है, तो उस लेवल पे भी हमने ब्लॉकेज को क्लियर करके दिखाया और वो रोगी आज बिना छल्ले डले स्वस्थ है हार्ट के केस में। तो मैं कहता हूँ हार्ट में छल्ले ना डलवा के यहाँ पे आके अपना आयुर्वेदिक उपचार करवाएं, सस्ते में होगा और प्लस में बिना ऑपरेट के होगा जी। और चरम रोग का किस तरह है भाई जी? चरम रोग के ऊपर यदि हम लोग बात करें तो चरम रोग सबसे आती है जो लास्ट सीमा होती है वो होती है सोराइसिस, और सोराइसिस एक ऐसा होता है जिसमें लोग ये चाहते हैं बोले इससे तो अच्छा मर जाऊं तो बढ़िया है, ऐसी तक कामना हो जाती है रोगी की। लेकिन यहाँ संस्थान ने जो रिजल्ट दिए हैं, मैंने लास्ट टाइम शायद एक दवा दिखाई भी थी, आप सभी दर्शकों को भी दिखाई थी, तो वो दवा इतनी कारगर है, यदि ज़्यादा नहीं कहेंगे हम रात को लगा के सो जाए, सुबह हमें खुद कॉल करके ना बताए रोगी तो वो दवा बेशक रख देना साइड में, मत लेना मत लगाना, इतना रिजल्ट कहूँगा उस दवा का कि रात को लगा के सोए, सुबह अपना रिजल्ट चेक कर ले कि पहले से, ये तो नहीं कहूँगा बिल्कुल साफ हुई मिलेगी, ये तो असंभव है कहीं पर भी, लेकिन जो रात को जो पीड़ा थी उसमें तत्काल सुबह आराम जो है ना आपको मिलेगा। ये क्या प्रोसेस चल रही है जी? यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग विधियां हैं हमारी, आप वहाँ पे देखोगे तो मटकियों के द्वारा दवा तैयार की जाती है, वहाँ पे देखो जो परात है कि तसला जिसको देसी भाषा में बोलते हैं, एक उसके माध्यम से दवा तैयार की जा रही है, फिर ये जो यंत्र है इनके द्वारा जो है ना दवा तैयार की जाती है। तो ये आप अपने आयुर्वेद के अलग अलग सिद्धांत हैं, कोई सट यंत्र है, कोई अपना जो है ना अर्क यंत्र है, कोई किसी को खाम यंत्र बोलते हैं, तो उन सब यंत्रों के माध्यम से यहाँ पे दवाइयाँ तैयार की जाती हैं जी। और इसका रिजल्ट जो है वो आपके रोगी खुद ही अपने व्यूवर्स जो है वो फीडबैक आप देख लेंगे, बहुत ही लाजवाब रिजल्ट है यहाँ के। तो एड्रेस क्या रहेगा भाई जी? यहाँ का जो एड्रेस रहेगा वो देखो सभी दर्शकों के लिए बता दें कि फोन कॉल्स में बड़ी दिक्कत आ जाती है हमें भी इतने फोन उठाने में, तो सिंपल सा जो चरखी दादरी की तरफ से जो रोगी आए वो महेंद्रगढ़ रोड की तरफ आगे बढ़ेगा, मात्र 15 किलोमीटर, गाँव आएगा बधवाना, और जो अपोजिट से जो रोगी आते हैं महेंद्रगढ़ की साइड से, उन रोगियों को मात्र 22 से 25 किलोमीटर चलना पड़ेगा चरखी दादरी की साइड में, गांव बधवाना में उतर के मानव सेवा संस्थान ट्रस्ट का बोर्ड आप लोगों को दिख जाएगा। अन्य कोई भी बात है तो संपर्क सूत्र नीचे दिए गए हैं, आप उन पर भी संपर्क कर लेंगे, अन्य किसी भी जानकारी के लिए आप हमें संपर्क करें जी। जी, और पेशेंट भी आए हैं उनसे बात कर लेते हैं। जो रोगी आए हैं लाइव आप लोगों के सामने हैं, आप उनसे मिलें और उनसे बातचीत करें कि कैसा क्या उनका अनुभव, आज पहली बार आए हैं तो उनको भी उम्मीद हम कि उनको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इनसे अलग अलग आप रोगियों से बातचीत कर सकते हैं, और जो रोगी गरीब परिवार से है, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं जो अति गरीब है, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जिनके पास खाने पीने के तक का दाना नहीं है, वो रोगी यहाँ पे कभी भी आए, निःशुल्क उनको दवा यहाँ पे दी जाएगी, फ्री दवाई दी जाएगी जी। चलो पेशेंट आ रहे हैं, उनसे भी एक बार बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है जी? प्रेम। कहाँ से आए हो? अग्यार से। अग्यार कहाँ से? ये कहाँ? महेंद्रगढ़। अच्छा, महेंद्रगढ़। क्या दिक्कत थी आपको? मेरे पेट में भी थी। हाँ। और नाड़ में भी है। अच्छे। और घुटना में भी है, कई जगह। तो अभी कितनी बार आ लिया आप यहाँ? दूसरी बार आया। दूसरी बार। हाँ। तो कितना आराम है पहले से? थोड़ा आराम है, मतलब अच्छा आराम लग रहा है। हाँ, लग रहा है। विश्वास हो जाएगा आराम? हाँ, तो विश्वास है ही। अच्छा, और ये माता जी आपके साथ में? इन इनके दर्द ही। तो ये पहली बार आए हैं ना? दूसरी बार आए। तो कैसी तबीयत माता जी? वही बता देंगे तो। अच्छा, कैसी सही है इसकी? अच्छा, शर्म आ रहा है ना? आराम है थोड़ा। अच्छा, आराम है बिल्कुल। तो मानव सेवा संस्थान ट्रस्ट में पहुंच रहे हैं, और यहाँ के जो इलाज है, किस तरह वैजी इलाज कर रहे हैं, किस तरह जो पेशेंट संतुष्ट हुआ है, मतलब बहुत सी बड़ी बड़ी बीमारी है उनका किस तरह इलाज कराया जान लग रहा है, तो वो आप लोगों ने दिखाया है। और आपने अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।